नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और एक नई सीरीज लेकर के आज फिर से मैं आप सभी के साथ जुड़ने वाला हूं। तो जितने भी जिज्ञासु छात्र जो हमारे साथ बने रहना चाहते हैं वे डेली हमारी इस कक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कक्षा अपने आप में यूनिक है क्योंकि इस पूरी की पूरी सीरीज़ जो है हमारी, उसके दौरान में संविधान के बहुत से महत्वपूर्ण जो वाद या केस हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। आप में से लगभग हर एक छात्र ने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को पढ़ा है और उस दौरान आपने भी एक समस्या ज़रूर देखी होगी कि अलग अलग मुद्दे जब हम संविधान में पढ़ते हैं, अलग अलग हिस्सों को जब हम संविधान में पढ़ते हैं तो उनसे जुड़े कई वादों पर अक्सर चर्चा होती है। सामान्यतः पुस्तकों में या अन्य माध्यमों में हमें केवल ये पता चल पाता है कि उनसे जुड़ा वाद कौन सा है, लेकिन कभी भी हम उस वाद की पृष्ठभूमि तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस केस की पृष्ठभूमि तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसे जानना काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि बिना पृष्ठभूमि को जाने हम ये कैसे तय कर पाएंगे कि संबंधित वाद में वो मुद्दा उठा ही क्यों। तो उन मुद्दों को जानने के लिए और उनका संविधान से कैसे संबंध है उसी को जानने के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं डिटेल में आपको हर एक वाद की उस घटना को बताऊंगा जो आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके हमारी ये वीडियोस आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मेरी शर्त रहेगी, वीडियोज़ आगे तभी बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगा जब कम से कम आप 1000 छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचा दें। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी दूसरे वाद या दूसरे केस पर मेरे साथ मिलकर के चर्चा करना चाहेंगे। तो इसे लाइक और शेयर करना आपका काम है जो बखूबी आपको करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और देखते हैं संविधान का वो पहला वाद जिसने सबसे पहले संविधान के कुछ भागों को लेकर के और न्यायालय को सोचने पर मजबूर किया। दरअसल हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण काम कि संविधान की व्याख्या कौन करे, ये सौंपा गया है न्यायपालिका को। विधायिका कानून बनाने तक सीमित है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने तक, लेकिन न्यायपालिका का काम न केवल कानूनों की रक्षा करना, न केवल संविधान की रक्षा करना है, बल्कि जब कभी संशय की स्थिति हो तो ये भी बताना है कि इस संविधान में उपयोग किए गए उन शब्दों का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं एके गोपालनवाद जो कि 1950 में संविधान के लागू होने के तुरंत बाद आया, उसमें क्या क्या मुद्दे रहे। दोस्तों एके गोपालनवाद को अगर हम देखें तो मूल रूप से ये तीन क्षेत्रों से संबंधित है। पहला है हमारी प्रस्तावना। तो एके गोपालनवाद में प्रस्तावना को लेकर के एक पक्ष रखा गया और उसकी भी व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने की। दूसरा जो मुद्दा है वो है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ठीक है, नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत होता है, उस पर भी चर्चा इस दौरान हुई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर इसमें चर्चा की गई थी वो था विधि की स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इन तीनों टॉपिक्स पर जो है इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय रखी, अपना निर्णय दिया था। तो चलिए पहले इस एक ही गोपालन वाद की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि वाद कैसे सामने आया। पहले हम ये जानते हैं कि एके गोपालन कौन थे। एके गोपालन एक कम्युनिस्ट थे, एक वामपंथी भारतीय राजनीतिज्ञ थे, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी ये रहे। ठीक है, और 1952 में पहली लोकसभा के लिए चुने गए 16 सदस्यों में से एक थे। उन्हें माकपा के संस्थापक सदस्यों में से भी एक माना जाता है। ठीक है, तो देश में जो वामपंथ था उससे जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वाद शुरू होने के पीछे इनका जो रोल रहा उसको समझते हैं। 1939, आप में से लगभग हर कोई जानता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने के साथ ही देश में जो अंग्रेजी राज के खिलाफ आंदोलन है वो भी बढ़ा। चूंकि ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे एके गोपालन, तो इन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गोपालन को इस वजह से गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए 1942 में वे जेल से भाग गए। उस समय आम बात थी, बहुत से क्रांतिकारी थे जो जेल से भाग भी जाते थे और पुलिस प्रशासन से बचकर रहते थे। इन्होंने भी ऐसा ही किया और 1945 तक, युद्ध के अंत तक ये सक्रिय रहे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है ब्रिटिश सरकार इनको फिर से गिरफ्तार कर लेती है
और अब देखिए 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी होने के बावजूद इनको सलाखों के पीछे रखा जाता है। अब होता क्या है, 1950 में केंद्र सरकार द्वारा एक निवारक निरोध अधिनियम जिसे प्रिवेंशिव डिटेंशन एक्ट 1950 कहा जाता है वो बनाया गया। देखो यहां पर एक शब्द आ रहा है निवारक निरोध अधिनियम। निरोध किसे बोलते हैं, निरोध का मतलब डिटेंशन अर्थात हिरासत में लेना, ठीक है, और प्रिवेंटिव मतलब जो निवारण करती है अर्थात किसी काम को होने ही ना देती है। डिटेंशन या निरोध दो प्रकार का होता है, एक प्रकार होता है दंडात्मक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यूनिटिव, पहला हो गया दंडात्मक जिसको हम बोलते हैं प्यूनिटिव और दूसरा हो गया निवारक जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव। दंडात्मक निरोध का मतलब होता है आपने कोई गुनाह कर दिया, आपने कोई गलती कर दी और उसकी सजा के एवज में आपको आपकी जो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है उसको बाधित करके आपको जेल में डाल दिया, यह है आपका दंडात्मक निरोध। तो किसी व्यक्ति को कोई भी गुनाह करने के बाद में जो भी कानून है उसके अंतर्गत गिरफ्तार करना और अपनी जो स्वतंत्रता है उससे वंचित कर देना। दूसरा जो है वो होता है निवारक निरोध जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 22 में की गई है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निवारक निरोध के तहत प्रतिबंध लगाया गया है और राज्य पर भी कि राज्य किन किन मामलों में निवारक निरोध का प्रयोग कर सकता है वो चीज वहां पर बताई गई है, ठीक है। तो निवारक निरोध दूसरा प्रकार है डिटेंशन का जिसमें आप भविष्य में कोई गलती ना करें या भविष्य में कोई अपराध ना कर देवे, इसी को रोकने के लिए आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे बहुत से एक्ट हमारे यहां पर बने हैं एक के बाद एक। ये एक्ट 1974 में समाप्त हो गया था, 1950 में इसको बनाया गया था 1974 में, उसके बाद में टाडा और इस तरह के जितने भी आपने एक्ट पढ़े हैं ये जितने भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं वो दरअसल निवारक निरोध के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि उसमें इंतजार नहीं किया जा सकता कि वो पहले कहीं बम विस्फोट करे या किसी को मारे और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाए। तो निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया और मद्रास सरकार ने उनकी गिरफ्तारी को भी इस एक्ट के तहत ला दिया। अब भाई पहले तो चलो अंग्रेजों की सरकार थी इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया और रखा गया, लेकिन देश को आजाद होने के बाद में इनको रिलीव किया जाना चाहिए था, उनको इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। तो निवारक निरोध अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये प्रावधान जो निवारक निरोध अधिनियम है इसके अंतर्गत क्या प्रावधान रखा गया था कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को राष्ट्रीय रक्षा, विदेशी संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए किसी भी प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए किसी को भी हिरासत में लेने की अनुमति है। तो अब इनमें से कोई सा भी कारण सरकार बता सकती थी और किसी को भी हिरासत में ले सकती थी और ऐसा ही किया ए के गोपालन के साथ। ए के गोपालन इस चीज से नाराज हुए, ठीक है, और उन्होंने न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय के पास गुहार लगाई, क्योंकि न्याय देने का काम उच्चतम न्यायालय को ही दिया गया था आर्टिकल 32 के अधीन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय के पास हो जा सकता है और न्यायालय उसको इसमें रेमेडीज उपलब्ध करवाएगा। तो याचिकाकर्ता ने क्या कहा पहले उसे देखिए ताकि आपको यह पता चलेगा कि मुद्दे कौन कौन से उठे या संविधान के किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। याचिकाकर्ता को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत लिया गया था, ठीक है, और इसीलिए उसने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस, आपने सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, 5 प्रकार की रिट में से पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके अधीन किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर जो है किसके भी पास प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, न्यायपालिका के पास, और अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। तो पहला तो उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत एक रिट जारी करने के लिए और नजरबंदी या जो उनका डिटेंशन किया गया था उससे रिहाई के लिए आवेदन किया था, और इस आधार पर उन्होंने यह भी कहा कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है इसने संविधान के अनुच्छेद 13,
जो विधि के शासन की बात करता है, अनुच्छेद 29 जो कि विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, अनुच्छेद 21 जो कि जीवन का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 22 जो कि निवारक निरोध के अधीन है, उन सभी के उल्लंघन किया है और इसीलिए उनकी नजरबंदी अवैध है। इन चारों कानूनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास में ये मुद्दा गया, ठीक है, और ये तो हुआ पहली बात जिसके लिए उन्होंने ये पूरा का पूरा अपना किया कि मुझे एक तो नजरबंदी से निकाला जाए और दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधीन मुझे जो है प्रस्तुत किया जाए न्यायपालिका के सामने। ये दोनों चीजें इन्होंने यहां पर कह दी। दूसरा मुद्दा क्या रहा? दूसरा मुद्दा जो इन्होंने सामने रखा वो ये था कि अगर आर्टिकल 21 के हिसाब से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर चले तो निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा छीनी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता जायज थी। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये एक तरीका है जो केवल अनुच्छेद 21 पर लागू होता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 विधि के शासन की बात करता है और कहता है कि सरकार द्वारा या विधायिका द्वारा बनाई गई कोई भी विधि यदि मूल अधिकारों का हनन करती है तो वो उस स्तर तक शून्य हो जाएगी जितने स्तर तक वो मूल अधिकारों का हनन करती है। अर्थात सरकार भले ही सही तरीके से बहुमत के साथ में कोई विधि बना भी दे तो भी वो अगर मूल अधिकारों का हनन करेगी तो जिस स्तर तक वो मूल अधिकारों का हनन करती है उस स्तर तक शून्य हो जाएगी। तो एक तरह से हमारे जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं उनमें ये कहा गया है कि मूल अधिकारों का हनन करने वाली जितनी भी विधियां हैं वो शून्य मानी जाएगी। तो ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं होगा जो मूल अधिकारों को तोड़ता है। लेकिन अनुच्छेद 21 जो कि जीवन के अधिकार के बारे में है, दैहिक जीवन के अधिकार के बारे में है, वो कहता है कि विधि की स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को भी जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चूंकि विधि की स्थापित प्रक्रिया से एक्ट बनाया गया कि जो बहुमत था वो लिया गया, बहुमत लेकर के एक्ट बनाया, तो विधि की स्थापित प्रक्रिया से एक्ट तो बना लेकिन अनुच्छेद 19(1)(d) अनुच्छेद 19 का पहला क्लॉज का सब क्लॉज डी क्या बोलता है कि देश भर में अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को है। तो गोपालन जी ने आर्टिकल 21 को और आर्टिकल 19 को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब अनुच्छेद 19 का डी पोर्शन कहता है कि देश में कोई भी व्यक्ति अबाध संचरण कर सकता है तो ऐसे में उन्हें अनुच्छेद 21 के अधीन किस तरह से जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो उनके अबाध संचरण पर जो है रोक लगती है, क्योंकि विधि के सम्यक प्रक्रिया के तहत यह आता है और इस आधार पर निवारक निरोध अधिनियम को खारिज किया जाना चाहिए। तो विधि के सम्यक प्रक्रिया यहां पर क्यों आया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहां पर आर्टिकल 19 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अधीन आता है, मतलब वहां पर जो है जो भी कानून बनेगा उसमें न्याय लोगों को मिलना भी चाहिए, इसकी बात की जाती है। थोड़ा सा आगे मैं और बताऊंगा, अमेरिका और भारत में विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया दोनों में बहुत अंतर है, उन दोनों पे मैं बात करूंगा। तो गोपालन ने कहा कि निवारक निरोध अधिनियम जो है ये अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के साथ असंगत है। अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत भी यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बावजूद भी जो है उसमें बहुत से मुद्दे हैं जिनको उसको फॉलोअप करना पड़ेगा, तभी जाकर के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो अनुच्छेद 19 तो जहां स्वतंत्रताएं देता है, वहीं अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 क्या करते हैं, ये दोनों राज्य पर रोक लगाते हैं। पहली रोक तो यहां पर 21 में लगा देता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार से विधि की स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 22 जो है निवारक निरोध के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करता है। इसको लेकर के उन्होंने बात कही कि जब मुझे 19 में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है तो आप 21 के अधीन मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, जो मेरा अनुच्छेद 21 है इसके तहत कैसे गिरफ्तार करोगे।
तो ये बात इन्होंने यहां पर कही। अब छह न्यायाधीशों का एक पैनल बैठा और छह न्यायाधीशों के पैनल ने इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग राय दी। बहुमत ने सबसे पहले तो जो 1950 का अधिनियम है उसकी जो डिटेंशन एक्ट है, इस एक्ट की एक धारा जो कि धारा 14 थी और जिसमें लिखा था कि किस आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है इसका प्रकटीकरण नहीं करना है, पहले तो उसको इन्होंने असंवैधानिक कर दिया। उनकी गिरफ्तारी को नहीं किया, केवल यह कहा कि आखिर आपने इन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया, क्योंकि जो 1950 का एक्ट था उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो किस आधार पर प्रकटीकरण क्यों नहीं कर रहे हो, यह चीज उन्होंने कही और इसलिए इसको असंवैधानिक यहां पर करार दे दिया गया। फिर उन्होंने फैसला दिया और पहला फैसले में उन्होंने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों को एक नहीं समझा जा सकता। दरअसल तत्कालीन समय में जो न्यायपालिका है उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई। न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करने की बजाय संविधान का केवल पठन किया, उन्होंने संविधान की कोई व्याख्या नहीं की और कहा चूंकि संविधान निर्माताओं ने हाल ही में संविधान बनाया है तो संविधान में जो जो चीजें ली गई है वो बिल्कुल सही है, और न्यायपालिका उस चीज के पक्ष में चली गई। तो उन्होंने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 21 में है और विधि की सम्यक प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 19 में है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना है। अनुच्छेद 19 अलग है, अनुच्छेद 21 अलग है। इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 बिल्कुल सही है और उसका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर चलना भी एकदम सही है। बस न्यायपालिका ने कह दिया कि अनुच्छेद 21 सही है। अब वो कैसे सही है इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई, बस न्यायपालिका ने कह दिया कि ये सही है और विधि की स्थापित प्रक्रिया में यदि कोई कानून बन गया है तो किसी भी व्यक्ति को विधि की स्थापित प्रक्रिया से उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तीसरा, उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 दोनों अलग अलग हैं और दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। कुल मिलाकर के उन्होंने जिस आधार पर एके गोपालन ने अपनी जो पक्ष रखा था उसको यहां से खारिज कर दिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पिटिशनर के सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया और यह कहा कि स्वतंत्रता एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। स्वतंत्रता जो शब्द है यह व्यापक अर्थ वाला स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अलग अलग प्रकार की होती है और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में अलग अलग तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 21 में इसके क्षेत्र को दैहिक विश्लेषण लगाकर सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है शारीरिक स्वतंत्रता मात्र, अर्थात व्यक्ति की निजता से जुड़े हुए, व्यक्ति की अपनी निजी जीवन से जुड़ी हुई स्वतंत्रता ही इसमें सम्मिलित है, अबाध संचरण को इसमें नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो क्या कहा कि यह केवल शारीरिक स्वतंत्रता मात्र है, बिना विधि के प्राधिकार के किसी व्यक्ति को कारावास में विरुद्ध करने आदि की स्वतंत्रता है, मतलब कि कानून से ही आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक तरह से इसको बिल्कुल अलग कर दिया कि यह केवल दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कौन सा? आर्टिकल 21। यह परिभाषा अनेक विद्वानों की दी गई परिभाषा पर आधारित थी, क्योंकि उस समय बहुत से संविधान थे जिनमें इसी तरह की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 19 स्वतंत्रता के अधिकार के दो अलग अलग पहलू हैं। अब दोनों पहलू क्या क्या हैं यह उन्होंने आगे बताया और कहा कि अनुच्छेद 19 में भारत में भ्रमण का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में प्रदत्त स्वतंत्रता से अलग है। ठीक है, कि जहां पर आपको अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता मिली है जीवन की, वो दैहिक स्वतंत्रता है, कि मतलब आपको अपने निजी जीवन से जुड़े बहुत सी चीजों के अधिकार हैं, बहुत सी स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 आपके संचरण की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, वो एक अलग मुद्दा आ गया, उसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से उन्होंने दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया। अनुच्छेद 21 के अधीन दैहिक स्वतंत्रता को वंचित करने वाली विधि की विधि मान्यता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। समझिए इसको, क्या कहा कि अनुच्छेद 21 के अधीन कोई अगर एक्ट बना है तो उसको आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि वो अनुच्छेद 19(5) पर निर्बंधन लगाती है। अर्थात कोई भी कानून जो अनुच्छेद 21 को सेटिस्फाई कर रहा है उसको आप इस आधार पर गलत नहीं ठहरा सकते कि वो अनुच्छेद 19 को तोड़ रहा है। अनुच्छेद 19 अलग है, अनुच्छेद 21 अलग है, ये बात इन्होंने कह दिया। और चूंकि
पिटिशनर को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया गया था। मतलब कि एक कानून बनाया गया जो कि विधि की स्थापित प्रक्रिया के अधीन था, भले ही वो व्यक्ति को न्याय दे या नहीं दे उससे मतलब नहीं था, कानून सही तरीके से बनाया गया था। और अनुच्छेद 21 यही कहता है कि विधि की स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को अपने जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर किया जा सकता। तो इसीलिए यह कानून बिल्कुल सही है क्योंकि विधि की स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ है और इसीलिए इस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है यह जायज है। अब देखो इसी मुद्दे में प्रस्तावना को लेकर भी चर्चा हुई। तो यह तो पूरा का पूरा मुद्दा क्या हो गया कंप्लीट, ये बात कह दी गई कि भैया अनुच्छेद 19 अलग है, अनुच्छेद 21 अलग है, विधि की स्थापित प्रक्रिया अलग चीज है, विधि की सम्यक प्रक्रिया अलग है। देखो विधि की स्थापित प्रक्रिया न्यायालय को समीक्षा करने का जब अधिकार देती है तो केवल वो ये देखता है कि क्या कानून को संविधान में बताए गए तरीके से बनाया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ विशेष बहुमत या बहुमत के माध्यम से एक्ट, एक्ट जो भी साधारण बनते हैं वो बहुमत के माध्यम से बनते हैं, साधारण बहुमत लेकर के आप एक्ट बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में थोड़ा सा इसकी व्यापक परिभाषा है, वहां पर विधि की सम्यक प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसके अधीन कोई भी कानून जो है उसको न केवल संविधान में बताए गए तरीके से बनना चाहिए बल्कि इसके साथ साथ वो अंत में किसी व्यक्ति को न्याय भी दिलवाने में सक्षम होना चाहिए। मतलब अगर उसका उद्देश्य जो है वो गलत है तो उस कानून को न्यायपालिका खारिज कर सकती है क्योंकि वो विधि की सम्यक प्रक्रिया पर नहीं है, वो अंत में व्यक्ति को वास्तव में न्याय नहीं दिलाता है। लेकिन हमारे यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है जब हम विधि की स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं आर्टिकल 21 में, क्योंकि आर्टिकल 21 यही कहता है कि अगर आपने कानून को तरीके से बनाया है जो तरीका संविधान में वर्णित है तो ऐसे में भले वो न्याय दे या ना दे उसे सही माना जाएगा। तो ये है आपके आर्टिकल 21 की। तो आर्टिकल 21 विधि की स्थापित प्रक्रिया से जुड़ा है क्योंकि बाकी जो आपके मूल अधिकार है वे सारे विधि की सम्यक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है भाग 3 में वर्णित तो उनको उतनी मात्रा तक विधि शून्य माना जा सकता है जितना कि वो उनका हनन करता है। तो इस तरह से आर्टिकल 13 बाकी कानूनों को रोक देता है लेकिन आर्टिकल 21 जो है उसमें इस तरह से नहीं रोका जा सकता यदि आपने कानून बनाने में सही तरीके का पालन किया है। इस मुद्दे में प्रस्तावना को लेकर क्या कहा गया, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है तो इसी के अधीन उन्होंने कहा, जब मुद्दा रखा तो कहा कि चूंकि देश लोकतांत्रिक है जैसा प्रस्तावना कहती है तो ऐसे में लोकतांत्रिक देश में इस तरह आर्टिकल 21 के अधीन किसी को गिरफ्तार किया जाना सही नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है, ये बात उन्होंने कही। तो इस पर न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि देखो पहले तो सामने वाले ने क्या कहा, प्रस्तावना जो भारत को एक प्रजातांत्रिक संविधान प्रदान करती है कानूनों की व्याख्या करते समय इसको मानना चाहिए, मतलब इसको इसका निर्देश मानना चाहिए प्रस्तावना का, और धारा 21 के तहत बना कोई भी कानून यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करे तो उसे अवैध करार दे दिया जाए, ये कहा गया। प्राकृतिक न्याय क्या होता है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के दो मूलभूत तत्व है। पहला तत्व प्राकृतिक न्याय का यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ जो है उसी के खिलाफ एक वो अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, मतलब कोई भी व्यक्ति को आप मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि खुद के खिलाफ गवाही दे, एक तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा यह है। और दूसरा क्या है, दूसरा यह कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, अगर आप सुनवाई का मौका किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं तो वो भी प्राकृतिक न्याय के अधिकार के खिलाफ है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है प्राकृतिक न्याय में। तो इसे अवैध करार देने की बात उन्होंने कही प्रस्तावना के आधार पर, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो है धारा 21 के तहत बने कानून को प्रस्तावना का वास्ता देकर संशोधित नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रस्तावना में वर्णित बिंदुओं के आधार पर आप जो है किसी भी कानून को संशोधित नहीं कर सकते। तो एक तरह से प्रस्तावना की जो भूमिका है उसको यहां से कमजोर किया गया, कम माना गया कि प्रस्तावना संविधान में ज्यादा प्रभाव नहीं डालती, अनुच्छेदों की वैल्यू ज्यादा है प्रस्तावना की वैल्यू ज्यादा नहीं है, तो प्रस्तावना को कम वरीयता दी गई तुलना में किसी अनुच्छेद के, ठीक है, यह काम भी यहां पर किया गया। तो यह है पूरा का पूरा एके गोपालन का मामला। इस मामले से आपने क्या समझा, इस मामले में दरअसल एक पिटिशनर है जो कह रहा है कि
मुझे जो है एक तरफ तो आर्टिकल 19 में आप घूमने की स्वतंत्रता दे रहे हो और दूसरी तरफ एक कानून आप बना रहे हो जिसके माध्यम से आर्टिकल 21 के अधीन मेरी दैहिक स्वतंत्रता को छीन रहे हो। ठीक है, तो ये बात इन्होंने अपनी पिटिशनरी में उसमें जो भी अपना तर्क था उसमें कहा, लेकिन न्यायालय यहाँ पर सही तरीके से व्याख्या न्यायालय ने नहीं की और जो संविधान में लिखी हुई बातें थी उनको सही माना, आर्टिकल 21 को सही माना और विधि की स्थापित प्रक्रिया को यहाँ पर सही माना। बाद में फिर जा करके मेनका गांधी का जो मामला 1978 में आता है जिस पर मैं आगे चर्चा करूँगा, उसमें जाकर न्यायालय ने अपनी भूल को सुधारा और सुधार करके ये माना कि जो है कि न केवल विधि की स्थापित प्रक्रिया बल्कि इसके साथ साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया का भी पालन होना चाहिए। तो जो मेनका गांधी का पासपोर्ट वाला मामला था उसमें ये फैसला फिर बाद में न्यायालय द्वारा दिया गया। तो आज के समय में विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी हमारे आर्टिकल 21 में देखा जाता है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे उस पर तो हम चर्चा करेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा वाद है, प्रस्तावना से इसका संबंध है, आर्टिकल 19 से संबंध है, आर्टिकल 21 से संबंध है, आर्टिकल 22 से इसका संबंध है। तो यहां से जब भी आपको पूछा जाए तो आप एक ही गोपालन वाद के बारे में जब भी आपको कि क्या ये प्रस्तावना से संबंधित है या आर्टिकल 19 से कौन सा संबंधित है, इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मुद्दा पूरा समझ लिया है तो अब आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा पहला आज का वीडियो हो गया है। इसके जो नोट्स हैं वो वैसे तो मैं अवेलेबल करा रहा हूँ हमारी आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर, जहाँ पर मेरा कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स है जिसको आप देख सकते हैं। मात्र 699 रुपये का ये कोर्स है 2 साल की वैलिडिटी के साथ में, जिसमें आप कंप्लीट जो है जो पॉलिटी का कोर्स है आरएस प्रीलिम्स और मेंस का उसकी तैयारी कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जितना ज़्यादा जल्दी आप इसे 1000 व्यूज़ तक पहुँचाएंगे उतनी जल्दी आपको दूसरा वीडियो भी इसका मिलेगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं एक और केस लेकर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।